guys, true or false of chapter 2. Write 3 for true and left for false statement. जो यहाँ पर true statements हैं, उनके आगे हमें true लिखना है, T बनाना है, और जो false statements हैं, उन्हें हमें capital F से show करना है. Unpolished rice has full of vitamin C. Rice में vitamin C नहीं, बल्कि carbohydrates होता है, so this statement is false. Rickets is caused due to vitamin D deficiency. मतलब vitamin D की deficiency से रिकेट्स जो डिजीज है वो कॉज होती है, और ये सही है क्योंकि रिकेट जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ही होता है. ट्रू. स्वेलिंग ऑफ द फीट इज ए सिम्टम ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी. स्वेलिंग ऑफ द फीट जो है वो एक ऐसी डिजीज है जिसे एलिफेंटियासिस बोलते हैं, फील पाँव या हाथी पाँव, जिसमें पैर सूज जाता है, और वो डिजीज जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं से नहीं होती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर कॉज होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. हीटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इज अ मैथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. हीटिंग जो है मैथड नहीं है, मैथड होता है फूड प्रिजर्वेशन का बॉयलिंग या फिर सॉल्टिंग, हीटिंग मैथड नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. एंड नाउ अनस्क्रैम्बल द बर्ड्स. यहाँ पर हमें बर्ड्स की सही स्पेलिंग लिखनी है, और यहाँ पर ये चैप्टर 1 और 2 दोनों के ही अनस्क्रैम्बल द बर्ड्स हैं. तो यहाँ पर जो है राइट स्पेलिंग होगी हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट हाइजीन. नेक्स्ट वैक्सीनेशन. नेक्स्ट है फ्यूमिगेशन. नेक्स्ट एम्ब्रियो. डिस्पर्सल. एंड नेक्स्ट हार्वेस्ट. सो यू हैव टू लर्न दीज एक्सरसाइजेस एंड यू हैव टू लर्न क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. थैंक यू.